मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये गीत तो आपने सुना ही होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ये गीत ठीक उल्टा हो जाता है। दूसरे के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का क्रेडिट तो प्रधानमंत्री जी कथित तौर पर लूट ही लेते हैं, अपने द्वारा किए गए कथित बेहद गलत कार्यों को भी कैसे छुपा लिया जाता है, दबा दिया जाता है, इसका एक जीता जागता प्रमाण राम मंदिर को लेकर सामने आया है। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट से मंदिर के पक्ष में फैसला आया, लेकिन जनवरी 2019 में ही मोदी सरकार ने जो किया था उसे जानकर आज भी आपकी खोपड़ियां टन टन करेगी। वहीं राम के नाम से ही संबंधित मोदी सरकार का एक और कारनामा है जो आपको याद दिलाएंगे, जिसे सुनने के बाद आप तुरंत कहेंगे कि अच्छा तुम करो तो रासलीला, हम करें करेक्टर ढीला। इस मामले पर आज भी अंधभक्त झूठ का चोला ओढ़कर घूमते हैं। ये दोनों ही मसले आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है, खासकर उनके लिए जो या तो अयोध्या जाने वाले हैं या फिर जा चुके हैं। इसके साथ ही बात करेंगे कि क्या ईडी से डर गई दीदी, आम आदमी पार्टी और बहन जी, या फिर पिक्चर अभी बाकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। उधर महाराष्ट्र में भी ईडी का प्रकोप जारी है, संजय राउत ने कुछ बड़े आरोप लगाए हैं उस पर भी बात करेंगे। और देश के गरीब मजदूर कृपया कान खोलकर सुन लें, काम करें लेकिन मजदूरी न मांगें, क्योंकि मजदूरी मांगने पर जो चोट मिलेगी उसको ठीक कराने में कई महीने और मजदूरी करनी पड़ जाएगी। इन्हें तो आप लोग पहचानते ही होंगे, भाजपा आईटी सेल के मुखिया हैं। इन्हीं के अपने बीएचयू की छात्रा के साथ रात में कांड करते हुए पकड़े गए, इन्होंने एक नया कारनामा किया है, लेकिन ये बेचारे तुरंत ही पकड़े गए। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है, तो उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप में पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। देश को गोदी मीडिया के जहर से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो एक जबरदस्त कविता से शुरू करना चाहता हूं। अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति USA से जुड़े हुए विश्वा के प्रधान संपादक रमेश जोशी जी ने राजस्थान से आपके लिए यह कविता भेजी है। कविता बड़ी शानदार है, ध्यान से सुनने की जरूरत है। कविता का शीर्षक है राम से बड़ा राम का भक्त। 4 फीट के रामलला हैं और 10 फुट का भक्त, राम से बड़ा राम का भक्त। जनगण मन में राम समाये, राजपिता का तजवन जाए, मगर भक्त सत्ता का लोभी सपनों में भी तख्त, राम से बड़ा राम का भक्त। सदा राम का मन बैरागी, अनासक्त निर्लोभी त्यागी। ध्यान से सुनिएगा, सदा राम का मन बैरागी, अनासक्त निर्लोभी त्यागी, भक्त मगर तृष्णा में डूबा हर पल विषयासक्त, राम से बड़ा राम का भक्त। सबके मन की बात करें प्रभु, सबके मन की बात करें प्रभु, सबके मन की बात सुने प्रभु, निज मन की बातें करने में भक्त मगर है मस्त, राम से बड़ा राम का भक्त। इस तन को प्रभु कपड़ा माने, सिर्फ आत्मा को पहचाने, इसे भी सुन लीजिए, इस तन को प्रभु कपड़ा माने, सिर्फ आत्मा को पहचाने, ड्रेस बदलने में पर उनका भक्त बहुत है व्यस्त, राम से बड़ा राम का भक्त। प्रभु न स्वर्ग संदेश सुनाते, इसी धरा को स्वर्ग बनाते, प्रभु न स्वर्ग संदेश सुनाते, इसी धरा को स्वर्ग बनाते, मगर भक्त नित नभ में उड़ता, धरा पड़ी परित्यक्त, राम से बड़ा राम का भक्त। अब अगली पंक्ति जरा विशेष ध्यान देकर सुनिएगा। राम सदा निर्बल के बल हैं, राम सदा निर्बल के बल हैं, दीनों दुखियों के संबल हैं, ये सबलों का परम मित्र है, दीन दुखी पर सख्त, राम से बड़ा राम का भक्त। राम कहाँ है भव्य भवन में, राम तलाशो अपने मन में, राम कहाँ है भव्य भवन में, राम तलाशो अपने मन में, आडंबर में तामझाम में नहीं गवाओ वक्त, राम से बड़ा राम का भक्त। 4 फीट के राम लला हैं और 10 फुट का भक्त, राम से बड़ा राम का भक्त। कविता पसंद आई हो तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और गर्मा गर्म हलवा खा लीजिए। बजट तैयार होने की खुशी में देश की वित्त मंत्री हलवा खिला रही हैं। इस पर वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी लिखते हैं, चलिए हलवा भी बन गया, न किसानों से कोई बात, न उद्योगपतियों से कोई मुलाकात, न ही किसी सेक्टर से किसी समूह से वार्तालाप, विकसित भारत का बजट तैयार, 1 फरवरी का इंतजार। वैसे तो कई साल से मंदिर मंदिर का खेल चल रहा है और मंदिर के खेल के पीछे करोड़ों रुपए का कथित खेल भी चल रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और बढ़िया मुहूर्त न होने के बाद भी इस कार्यक्रम को पूरा करने को लेकर जब देश के शंकराचार्यों ने सवाल उठाए और चारों शंकराचार्यों ने इस कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया।
याद कर दिए गए। शंकराचार्यों को गरियाने के लिए, ट्रोल करने के लिए बहुत सारे भक्तों ने तो प्रधानमंत्री को ही अपना शंकराचार्य घोषित कर दिया। कहने लगे कि धर्म की स्थापना कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। इसी के साथ चर्चा शुरू हुई कि मंदिर निर्माण में शंकराचार्यों का क्या योगदान है और प्रधानमंत्री मोदी का क्या योगदान है। अब शंकराचार्यों का क्या योगदान है ये तो अदालतों में लिखित रूप से मौजूद है, तमाम कागजात मौजूद हैं। और पिछले दिनों शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरीके से साफ साफ इंटरव्यू में बता दिया कि 40 दिन की हमारी बहस में 24 दिन हमारे लोगों ने बहस की और 4 दिन मैं खुद बहस में शामिल था व्यक्तिगत रूप से। जरा पता लगाइए बीजेपी, आरएसएस और बीएचपी के लोग तथा बजरंग दल के लोग कहां थे। सड़क पर हल्ला मचाने से मंदिर के पक्ष में फैसला आया है, अदालतों में लड़ाई लड़ने से आया है। बाकी तो आप जानते ही हैं, जब गोदी मीडिया, आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये सिद्ध कर सकती है कि देश में 70 सालों में कुछ भी नहीं हुआ जबकि सब कुछ जनता के सामने है, तो फिर मंदिर वाला मैटर तो उस तरह से लोगों के सामने था नहीं। यहां पर लोगों के सामने झूठ ठेलना और आसान था। साल 2019 के नवंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। हालांकि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के अनुसार यह फैसला तब हुआ जब मुस्लिम पक्ष के साथ इन लोगों की सहमति बन गई और मुस्लिम पक्ष ने अपने सारे दावों को छोड़ दिया, यानी समझौता पहले ही हो चुका था, लड़ाई खत्म हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट फैसला न भी देता तो आपसी समझौते से मंदिर का निर्माण आराम से हो सकता था। लोग ये भी कहते हैं कि यदि प्रधानमंत्री सच में मजबूती से इस काम में लगे होते तो फिर कानून बनाकर भी मंदिर बना सकते थे। बहरहाल नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से कुछ महीने पहले यानी जनवरी 2019 में मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। क्या करने पहुंची थी सुनते जाइए। सनातन धर्म नाम से ट्विटर पर एक पोर्टल है जो लिखता है कि ये अजीब बात है लेकिन सच है, मोदी सरकार ने जनवरी 2019 में राम जन्मभूमि के आसपास 1993 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अगर सुप्रीम कोर्ट से इसकी अनुमति मिल जाती तो नवंबर 2019 के बाद राम मंदिर बनाने के लिए कोई बड़ी जमीन नहीं बचती। यदि जनवरी 2019 में मोदी सरकार की बात सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया होता और जमीन वापस कर दी गई होती तो जो भव्य राम मंदिर का निर्माण आज दिख रहा है, जो मंदिर के चारों तरफ का लंबा चौड़ा एरिया दिख रहा है, वो सब कुछ न होता। और इसके संबंध में इन्होंने बाकायदा कई कागजात प्रस्तुत किए हैं। वहीं साल 2019 की ये खबर यदि आप देखें तो यहां साफ साफ बताया गया है कि भाजपा सरकार यानी मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, विवादित जमीन के अलावा जो भी अन्य जमीन का टुकड़ा पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय लिया गया था उन सबको संबंधित लोगों को वापस करने के लिए। लगे हाथ मोदी सरकार का एक और कारनामा देखते जाइए राम के नाम को लेकर। बीबीसी की इस खबर को देखिए, राज्यसभा में मोदी सरकार ने राम सेतु से संबंधित सवाल पर जवाब दिया था कि राम सेतु की उत्पत्ति और वो कितना पुराना है इससे संबंधित कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। लेकिन भक्तों के बीच अभी भी कांग्रेस द्वारा कही गई यही बात जमकर रखी जाती है, ठेली जाती है। विपक्ष ने इस मामले पर सवाल भी उठाया था कि जब मनमोहन सिंह की सरकार यही बात कह रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, मनमोहन सरकार हिंदू विरोधी है। जब संसद में कांग्रेस की तरफ से यही बात कही गई कि राम सेतु के होने का कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है, साइंटिफिक प्रमाण, तो बीजेपी के लोगों ने खूब हंगामा किया। अब खुद ही वही बात कर रहे हैं। लेकिन आप ढूंढ मारेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों के पास ये बात नहीं पहुंची होगी, जबकि ये मामला दिसंबर 2022 का ही है। ये दोनों खबरें ये समझने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री मोदी बातों, उनके प्रचार और उनके कारनामों में कितना बड़ा अंतर है, और सिर्फ उन्हीं के नहीं पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कथनी करने में कितना फर्क है यह साफ साफ दिखाता है। बेचारे अंधभक्त, करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते ही नहीं है तो असलियत पता कहां से चलेगी। कम से कम हमें ही सुनते तो कुछ पता चल जाता। एक और विशेष बात तथा गंभीर सवाल है, अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस के लोग अदालतों में मंदिर के खिलाफ अपने वकील भेजा करते थे। इस पर हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे, इसका खुलासा भी एक बड़े व्यक्ति किया है। लेकिन मोदी सरकार के ये दो कारनामे क्या वही कहावत सेट नहीं करते कि हम करें तो रासलीला और तुम करो तो कैरेक्टर लीला। वीडियो में बने रहिए, अभी बहुत कुछ है, बेहद महत्वपूर्ण मसले बचे हुए हैं, चले गए तो काम गड़बड़ा जाएगा। सबसे पहले इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। यूपी के बरेली में सांड ने 75 साल के रिटायर्ड मैनेजर को पटक कर मार दिया। इस घटना पर मशहूर पत्रकार कृष्णकांत क्या लिखते हैं, जरा एक एक लाइन को ध्यान से सुन लीजिए। आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सड़क पर चलते हुए चीन, पाकिस्तान और फलनवा धर्म के लोग आपकी जान लें चाहे न लें, वो लोग नहीं भी आएंगे लेकिन ललका सांड से कहीं भी मुलाकात हो सकती है। कृष्णकांत लिखते हैं, मेरी हार्दिक इच्छा है कि हमारे नेताओं को भी सांड जहां तहां उठाकर पटके, इनकी जांघें तोड़ दे, रीढ़ तोड़ दे, जिंदगी भर खटिया पर पड़े रहें और उसी पर सब कुछ करते रहें, ताकि जाने तो कि इन्होंने जो चरस बोया है जनता उसकी क्या कीमत चुका रही है। इससे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिनकी नीतियों से पूरे प्रदेश की सड़कों, खेतों, खलिहानों को सांड और आवारा जानवरों ने भर दिया, उनका सामना कभी सांडों से नहीं होगा। आप ये सब गौ सेवा
आड़ में कर रहे हैं, वही गौ सेवा जिसके तहत गौशालाओं में गाय दाने के बिना पानी के बिना मर रही हैं, खेत खलिहान जानवरों से भर गए हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, सड़कों पर लोगों की जान जा रही है, न जानवर बचे न इंसान, ये गौ सेवा नहीं आपका चुनावी पाखंड है जो लोगों की आस्था का दोहन करके उन्हीं को टोपी पहनाता है। यहाँ दो लाइन में और जोड़ देता हूँ, गौ सेवा के नाम पर जनता को पहनाई गई ये टोपी जरा और नीचे खिसकाकर उनकी आंखों को भी ढक दिया जाता है और फिर धनाधन दोनों गालों पर तमाचे बरसाए जाते हैं, पेट से लेकर पिछवाड़े तक पर लात बरसाई जाती है। इसके बाद कहा जाता है प्रेम से बोलो जय श्री राम। याद करिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 से पहले उत्तर प्रदेश में जाकर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 10 मार्च तक इन छुट्टा पशुओं की समस्या का निदान हम ढूंढ लेंगे। लेकिन 2022 का चुनाव बीत गया, सरकार बन गई, अब 2024 का चुनाव आ गया, लेकिन प्रधानमंत्री का यह वादा वादा ही रहा। आसान भाषा में कहें तो जुमला साबित हो गया 15 लखवा की तरह। उधर मंदिर के उद्घाटन के बाद से देश भर से हिंसा की शर्मनाक तस्वीरें आ रही हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो ऐसा भी वायरल हो रहा है जिसमें एक नौजवान को नग्न करके उसके लिंग पर आग से सटाया जा रहा है, पीछे से बहुत सारे लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। ये नारा पिछले कुछ सालों से आतंक का नारा बन चुका है, हिंसा नफरत और आग लगाने का सहारा बन चुका है। ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द लोग कहने लगेंगे कि हे राम जय श्री राम से बचाओ, हे राम जय श्री राम से बचाओ। हालांकि माहौल ऐसा बन गया है कि इस नारे को सुनते ही लोगों के मन में भय पैदा हो जाता है, लोग सहम जाते हैं। वैसे देश में डरने के लिए जय श्री राम के नारे की आवश्यकता नहीं है। यदि आप दलित हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, तो फिर अपनी मजदूरी मांगते हुए भी डरिए। दमूक नायक की इस खबर को ध्यान से देखिए। यूपी के अमेठी से दलित भाइयों का आरोप है कि तथाकथित ऊंची जाति के एक व्यक्ति के यहाँ इन लोगों ने मजदूरी की थी, भट्टे पर काम किया था। जब पैसे मांगने पहुंचे तो इन्हें बुरी तरह से पीटा गया, जाति सूचक गालियां दी गई और कहा गया कि दोबारा पैसा मांगने मत आना, नहीं तो मार के फेंक देंगे। इस तरह का आरोप इन दलित युवकों ने लगाया है, यानी भट्टे पर मजदूरी करें और मजदूरी का बकाया पैसा मांगने चले जाएं तो जात से लेकर खाट तक सब कुछ खड़ी कर दी जाएगी। 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि राम राज्य की स्थापना हो गई। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि जब यूपी के मुख्यमंत्री को ही बराबर की कवरेज नहीं मिल रही है तो फिर प्रदेश में जनता को बराबर का हक कैसे मिल सकता है। राम मंदिर के कार्यक्रम में आपने भी देखा होगा टीवी मीडिया का कैमरा गलती से त्रुटिवश कभी कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ घूम जाता था, यानी उनको पूरी तरह से किनारे कर दिया गया था। अब यूपी के लोग कह रहे हैं कि ये तो सरासर नाइंसाफी है, यूपी के सीएम ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, अयोध्या तो छोड़िए पूरे लखनऊ को सजा दिया, टीवी पर वो भी दिख जाते तो क्या बुरा हो जाता। बहरहाल सिंधिया जी का नौका मामला सुन लीजिए, इसके बाद भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय का नया शर्मनाक कारनामा दिखाएंगे। भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश में दिया हुआ भाषण वायरल हो रहा है, जिसमें वो पहले तो जोर जोर से चिल्लाकर एसपी को बुलाते हैं, कहते हैं कहां एसपी बुलाओ, तुम मंच पे खड़े रहोगे। लोग कह रहे हैं कि क्या ये पुलिस प्रशासन का अपमान नहीं है, कोई नेता सरकारी अधिकारी को इस तरह से डांटते हुए कैसे बुला सकता है, बोलने का एक तरीका होता है, एक तहजीब होती है। बहरहाल भाजपा में है इतना तो याद रखिए, तहजीब की बात करते हैं आगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि एक जमाना था इस देश में 65 वर्ष मेरे देश के नागरिकों को प्रशासन के आगे पीछे घूमना पड़ता था, सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन अब मोदी की सरकार है, घर घर प्रशासन जाता है, बाकी घर घर प्रशासन जनता के लिए जाता है कि सरकार का प्रचार करने के लिए जा रहा है, ये तो आप देख ही रहे हैं, जानते ही हैं। लेकिन फिलहाल मामला ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किस 65 साल को याद कर रहे हैं, और जब उन 65 सालों में देश की जनता परेशान थी, सरकार उनकी नहीं सुनती थी, सरकारी अधिकारी उनके नहीं सुनते थे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी दादी और उनके पिताजी और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कर रहे थे, वो किस दुनिया में थे। मोहम्मद जुबैर ने ज्योतिरादित्य का ये वीडियो शेयर करते हुए कुछ बातें लिखी हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिए। जुबैर लिखते हैं कि ज्योतिरादित्य के परिवार से गुना में लगातार लगभग 50 साल तक लोग सांसद बनते रहे। इनकी दादी विजय राजे सिंधिया 1957 से लेकर 62 तक, फिर 1989 से लेकर 99 तक, इनके पिताजी माधवराव सिंधिया 1971 से लेकर 84 तक, फिर 1999 से लेकर 2001 तक, और इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद साल 2002 से लेकर 2019 तक, यानी लगभग 50 साल तक तो इनके परिवार से लोग ही सत्ता में रहे, चुनाव जीतते रहे। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया किसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, किस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग जनता का ध्यान नहीं देते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, तो टेंशन मत लीजिए, मुमकिन
है, योजना चल रही है। वैसे यहाँ पर एक बात और याद दिला दें, सिंधिया परिवार को अंग्रेजों के साथ दोस्ती करने के लिए और खास दोस्ती के लिए याद किया जाता है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान के साथ इन्होंने गद्दारी की, 1857 की लड़ाई में इन्होंने भारत के वीर सपूतों को धोखा दिया, अन्यथा 47 वाला यानी 1947 वाला खेल काफी हद तक 1857 में भी हो सकता था, अंग्रेजों की खटिया खड़ी हो सकती थी। अब जरा प्रधानमंत्री मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के सबसे खूंखार सेनापति जो रोजाना पकड़े जाने के बाद भी एक के बाद एक झूठ परोसता है, सारा खुखारी ने झूठ परोसने में ही है, उस सेनापति के दर्शन कर लीजिए। यह है अमित मालवीय, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया। इन्हीं के टीम के 3 सदस्य वाराणसी में आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा से आधी रात को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार हुए, हालांकि 2 महीना बाद हुए, लेकिन हुए। यह अलग बात है कि उनके घर बुलडोजर नहीं पहुंचा, पहले पंचर हो गया। आपको याद होगा पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी का एक छोटा सा वीडियो क्लिप शेयर करके यह दावा किया जाता है कि राहुल गांधी आलू से सोना बनाने की बात कह रहे थे, जबकि यह बात पूरी तरह से गलत है, झूठी है, फ्रॉड है। आलू से सोना बनाने वाली बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी गुजरात के लोगों से, जिसको राहुल गांधी याद दिला रहे थे। लेकिन आप तो जानते हैं भाजपा की टैग लाइन है कि मेरा झूठ सबसे मजबूत, और झूठ सबसे मजबूत हो सकता है जब अमित मालवीय जैसे लोग हों और भर भर के पैसा हो, गोदी मीडिया का साथ हो। अमित मालवीय ने राहुल गांधी का एक छोटा सा वीडियो क्लिप फिर से शेयर किया है और लिखा है कि आलू से सोना की अपार सफलता के बाद स्टोव में कोयला, वाह राहुल जी वाह। यानी अमित मालवीय के अनुसार स्टोव में कोयला नहीं डाला जाता। ये सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि क्या राहुल गांधी ने गलत बोला है, स्टोव में कोयला नहीं डाला जाता, क्या स्टोव में खाली तेल ही डाला जाता है, जबकि असली बात यह है कि स्टोव अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में इसे अंगीठी, सिगड़ी या चूल्हा कहा जाता है। यानी हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं, अंग्रेजी में स्टोव के लिए। अब आप समझ गए होंगे कि अमित मालवीय को लोग अमित मालवेयर क्यों कहते हैं। हम बिल्कुल नहीं कहते। विश्व गुरु भारत में किसी को झूठ बोलने का रोजगार मिला हुआ है, फर्जी खबरें फैलाने का रोजगार मिला हुआ है, ये कम है क्या? हम भला क्यों किसी के बारे में कुछ कहें? जिसके पास इतना बड़ा गोदी मीडिया है वो किसी भी झूठ को सच की तरह प्रस्तुत कर सकता है। गोदी मीडिया से याद आया, दर्शन कर लीजिए, किसी तथाकथित बाबा का नहीं, धीरेंद्र शास्त्री का नहीं, बाबा के पैरों में जो लोटे हैं उनका दर्शन करिए। धीरेंद्र के कदमों में कितनी सारी मीडिया लोटी पड़ी है, ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि गोदी मीडिया का एक को चैनल बचा नहीं है, सबके सब लोट गए हैं, फैल गए हैं। अब बताइए, क्या आप सपने में भी कल्पना कर सकते हैं कि जो मीडिया असंवैधानिक बात करने वाले धीरेंद्र शास्त्री के चरणों में लोटा हुआ है, जो मीडिया सरेआम बाबा साहेब के संविधान को तार तार करने वालों के चरणों में लोटा हुआ है, फैला हुआ है, वो कभी आपके मुद्दों की बात करेगा, आपके हकों अधिकारों की बात करेगा? वो कभी बात करेगा कि आखिर चुनाव से पहले खोज खोज कर विपक्ष के नेताओं को क्यों टारगेट किया जाता है? क्या वो कभी पूछेगा कि लगभग 10 सालों में मोदी सत्ता के दौरान सरकार से जुड़े हुए कितने नेताओं के यहां छापेमारी हुई? जबकि कमाई तो वही करता है जो सत्ता से साठगांठ बनाकर रखता है, जो मजबूत होता है, जो पावर में होता है। इसी तरह की कार्यवाही को लेकर संजय राउत, जो कि शिवसेना के सांसद हैं, उनका कहना है कि ये ईडी की कार्यवाही नहीं बल्कि ये कार्यवाहियां भारतीय जनता पार्टी की हैं। यदि ये ईडी की जांच होती तो महाराष्ट्र में कितना बड़ा एंबुलेंस घोटाला हुआ, 800 करोड़ का टेंडर 8000 करोड़ में हुआ, एडवांस में 2 करोड़ लेकर विदेश भेज दिया गया, मुख्यमंत्री के परिवार के लोग इसमें शामिल है, 500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले में मैंने 10 बार ईडी को पत्र लिखा, वो सब नहीं दिखता है क्या ईडी को? संजय राउत ने शुगर फैक्ट्री घोटाला से लेकर पुल घोटाला तक कई सारे घोटाले गिना दिए। किरीट सोमैया पर इन्होंने INS विक्रांत बचाव कार्यक्रम में करोड़ों रुपए जमा करने और घोटाला करने का आरोप लगाया। इन्होंने कहा कि किरीट सोमैया के ऊपर FIR भी दर्ज हो गई। कोर्ट ने कहा कि इसमें तथ्य है, सरकार बदल गई, वो जमानत बाहर है। यानी भाजपा को अपने लोगों का भ्रष्टाचार नहीं दिखता, ईडी वहां नहीं पहुंचती। विपक्ष में जिन पर आरोप लगाती है, यदि वो बीजेपी ज्वाइन कर लें तो उनका सब कुछ साफ हो जाता है, सारे आरोप धुल जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। भाजपा सरकार कितने लोगों को जेल भेजेगी? भेजे, ईडी क्या दिन भर करते रहते हो। वैसे ईडी की बात आ गई तो पश्चिम बंगाल चले चलिए। हाल ही में वहां के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था, कहा था कि पश्चिम बंगाल में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ कोई सहमति नहीं बनी है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आगे उन्होंने यह भी कहा कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ और बीजेपी को हराने के लिए काम करूंगी। इस पर कांग्रेस का कहना है कि ममता बनर्जी का पूरा बयान सुनिए, हम लोग सब कुछ मैनेज कर लेंगे। पिछले दिनों यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, तो उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। अब लोग कहने लगे हैं कि चूंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है, इसके साथ ही TMC के तमाम नेता हैं जो ईडी के रडार पर हैं, आए दिन छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, इसीलिए दिल्ली से जो कुछ लिखकर भेजा जा रहा है वही मायावती समेत ममता बनर्जी जैसे लोग पढ़ रहे हैं और लोग आरोप
ये भी लगा रहे हैं कि अमित शाह के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। अब जो लोग इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रहे थे उनके मन में ये सवाल उठने लगा है कि क्या ऐसे ही बारी बारी से सभी लोग अलग अलग चुनाव लड़ने की घोषणा करेंगे, तब तो बीजेपी फिर से मजबूत सत्ता में आ जाएगी। लेकिन जानकारों का मानना यह है कि असली पिक्चर अभी पूरी तरह से बाकी है और यदि ईडी के डर से ही तमाम विपक्षी दल अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो फिर ये ईडी का डर आचार संहिता लागू होने के तुरंत बाद समाप्त हो जाएगा। और जैसी बात उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के बारे में कही जाती थी, वही बात पश्चिम बंगाल के बारे में भी चर्चा में आ गई है कि जैसे ही आचार संहिता लागू होगी न सिर्फ इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट हो जाएंगे बल्कि जो पार्टियां अभी शामिल नहीं है जैसे आंध्र प्रदेश और ओडिशा की प्रमुख पार्टियां और बहुजन समाज पार्टी, ये सब इंडिया के साथ खड़े हो जाएंगे क्योंकि इन्हें सिर्फ ईडी के प्रकोप से आज नहीं बचना है बल्कि भविष्य में अपनी पार्टी को भी बचाकर रखना है। और इन सबको मालूम है कि यदि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, मोदी प्रधानमंत्री बने तो फिर सभी स्थानीय दल सिर्फ नाम के रह जाएंगे, बारी बारी से सबका नंबर आएगा, सब निपटा दिए जाएंगे। वैसे इस मसले पर अन्य वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।